हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो देखो दोस्तों, आज का जो भी अपना ये लेक्चर होगा ना, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 274 के ऊपर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, तो ये वाला जो कंसेप्ट है हम लोग वहां पे अच्छे से देख लेंगे, और इसके ऊपर वहां पे उन्होंने जो भी हम लोगों को इलस्ट्रेशन दिया है वो इलस्ट्रेशन भी हम लोग वहां पे कर लेंगे, चलेगा? सो अभी देखो यार, सबसे पहले आप लोगों के मन में आएगा सर फिर ये बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। तो ध्यान दो, देखो दोस्तों कैसा होता है मालूम है क्या, कि जब भी हम लोग वहां पे बिजनेस करते हैं ना, तो हमारे बिजनेस में वहां पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, और वो सारे ट्रांजेक्शन में वहां पे मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट बेसिस पे वहां पे होने की संभावना हो सकती है। तो अगर हम लोगों के बिजनेस में वहां पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन अगर ज्यादा रहेंगे, तो ऑब्वियसली वो केस में वहां पे हम लोगों के जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज है वो भी बहुत ज्यादा बनेंगे। तो मुझे एक बात बताओ कि वहां पे फिर जो बिजनेसमैन है वो ये देखते बैठेगा कि क्या अभी कौन से बिल का पेमेंट कब ड्यू हो रहा है, फिर बाबा वो मैं बिल को कलेक्ट करने के लिए ड्रॉवर के पास चले जाऊं, ये पॉसिबल नहीं वहां पे। तो इसलिए ओनर क्या करता है, या ये जो भी ड्रॉवर है वो क्या करता है कि जितने भी बिल है ना, वो सारे बिल वो उसके बैंक को वहां पे दे देगा, और वो ओनर या वो जो ड्रॉवर है वो बैंक को वहां पे बोलेगा कि देखो बैंक, ये ना मैं आपको इतने बिल दे रहा हूं, ये बिल का जो भी ड्यू डेट है आप वहां पे आप लोग देख लेना कि क्या ड्यू डेट है और किसके पास से वगैरह आपको पैसा लाना है, तो आप वो सारी चीजें देख लेना। तो वहां पे क्या होगा कि ड्रॉवर ने जो भी बिल बैंक को दिया है ना, तो वो सारे बिल को वहां पे बैंक एक बार देखेगा, यानी जिस भी दिन वो बिल वहां पे ड्यू हो जाएगा उस दिन बैंक चले जाएगा रिस्पेक्टिव ड्रॉवी के पास, और ड्रॉवी के पास से वो बिल का जो भी पैसा है वो वहां पे क्या करेगा बोलो, बैंक लेके आ जाएगा। समझा? मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या हो रहा है दोस्तों, कि बैंक ड्रॉवर के बिहाफ पे ये जो भी बिल का पैसा है उसको कलेक्ट करने का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और यही जो हम लोगों का वहां पे कंसेप्ट है ना बच्चों, उसको हम लोग वहां पे बोलते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। नाम में ही है, बिल सेंड टू बैंक, मतलब हमने वो बिल को बैंक को दिया, बैंक के पास भेजा हम लोगों ने वो बिल को, और वो पैसा बैंक क्या करेगा बोलो, हम लोगों के बिहाफ पे वहां पे कलेक्ट करके लेके आएगा। समझ में आया क्या? तो अभी देखो, ये जो सारी चीजें वहां पे बैंक करेगी ना, तो ये सारी चीजों के लिए बैंक हम लोगों के पास से कुछ नॉमिनल चार्जेस वहां पे क्या करेगा मुझे बोलो, चार्ज करेगा, कुछ नॉमिनल पैसा वहां पे बैंक हम लोगों के पास से लेगा, और इसे हम लोग वहां पे कहेंगे क्या मुझे बोलो, बैंक चार्जेस। ये चार्जेस को हम लोग वहां पे क्या बोलते हैं बच्चों, बैंक चार्जेस वहां पे बोलते हैं। समझ में आया क्या नहीं आया? तो अभी हम लोग क्या करेंगे चाहिए, तो ये जो भी कंसेप्ट है ना, इसके ऊपर देखो आप लोगों के टेक्स्ट बुक के अंदर एक बहुत प्यारा सा उन्होंने एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो ये इलस्ट्रेशन को वहां पे हम लोग जरा देख लेते, चलेगा? अभी देखो उन्होंने क्या दिया, ध्यान देना। अनीता सोल्ड गुड्स टू नीता। ओके, तो यहाँ पे किसने गुड्स बेचे मुझे बताओ? अनीता ने यहाँ पे गुड्स को सेल किया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो भी सेलर होता है वो कौन बन जाएगा मुझे यहाँ पे बोलो, ड्रॉवर बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है, जो भी सेल करेगा वो यहाँ पे बिल को ड्रॉ भी करेगा, तो यहाँ पे अनीता हम लोगों की कौन बन जाएगी मुझे बोलो, ड्रॉवर बनेगी, और जो भी नीता है ना बच्चों वो कौन बनेगी मुझे यहाँ पे बोलो, हमारी ड्रॉ भी वहां पे बन जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी ये कब हुआ मुझे बताओ, 8th ऑफ मे को हुआ ये सारी चीजें, और ऑन द सेम डे इसी दिन पे अनीता ने एक बिल ड्रॉ किया 22,500 का, किसके ऊपर, नीता के ऊपर, कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। ठीक है, आगे क्या दिया है, ऑन 4th ऑफ अप्रैल अनीता सेंड दैट बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, तो मतलब अनीता ने वो जो भी बिल है नीता के पास से हमको जो मिला था वो हमने क्या किया मुझे बताओ जल्दी से यहाँ पे बच्चों, हमने वो बिल को वहां पे कलेक्शन के लिए दे दिया। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या करना है मुझे बोले, इसका अकाउंटिंग करना है। तो पहला क्या बोल रहा है, बिल इज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड अनीता पेड द बैंक चार्जेस ₹200। फिर दूसरा क्या, डिसऑनर हो गया, एंड तीसरा यहाँ पे क्या हो गया मुझे बोलो, नोटिंग चार्जेस भी वहां पे आ गया। समझा क्या? अभी अपन क्या करेंगे अच्छे से ध्यान देना प्लीज, वहां पे पूरा कॉन्सेंट्रेशन आप लोग बनाए रखना। ठीक है, अभी देखो यार, सबसे पहले वहां पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कि जो भी हम लोगों का ड्रॉवर है जैसे कौन, अनीता, बराबर ये क्वेश्चन में, तो उसके बुक्स के अंदर वहां पे हम लोग सारे एंट्रीज को पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ इन द बुक्स ऑफ, प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन द बुक्स ऑफ कौन मुझे बोलो, अनीता, इन द बुक्स ऑफ अनीता, और ब्रैकेट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हमारी कौन है बोलो, ड्रॉवर है। चलेगा ऐसा? जी सर। अभी मैं नीचे क्या करता हूँ बोलो, इसके नीचे मैं वहां पे लिखता हूँ क्या बोलो, जर्नल एंट्रीज, इसके नीचे मैं वहां पे लिखता हूँ जर्नल एंट्रीज, चलेगा क्या? ओके, अभी ध्यान दो सुनो,
तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि हम लोगों ने नीता को वहां पे 8th of May को गुड्स को क्या किया मुझे बोलो, सेल किया। कितने के दोस्तों? 33,500 रुपीज के यहाँ पे गुड्स हमने उसको बेच दिए, बराबर है क्या? तो अभी हम लोग क्या करेंगे सुनना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8th of May 2019, ऐसे में यहाँ पे लिखता हूँ चाहिए तो 8th of May 2000 क्या है मुझे बोलो यहाँ पे 19, ठीक है। यहाँ पे बिल क्या हो गया मुझे बोलो दोस्तों, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया उसको सेल किया, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको बोलू कि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें मुझे एक मिस्टेक लग रहा है, क्या मालूम है? हमने यहाँ पे गुड्स को सेल किया मई में और बिल कैसे यहाँ पे फिर हम लोग जैसे बोल सकते हैं बाबा अप्रैल में कैसे वहां पे हम लोग उसको कलेक्शन के लिए दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात सजेस्ट करूंगा, प्लीज यहाँ पे क्या करो आप मई की जगह पे ना मार्च कर दो, मेरे हिसाब से वो मार्च रहना चाहिए, प्लीज वहां पे आप उतना रेक्टिफाई कर लो चीजें, ओके। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे मार्च कर लोगे दोस्तों, मार्च को सेल हुआ ऐसे अपन करेंगे क्योंकि बिल महीने के पहले ही कलेक्शन को कैसे जा सकता है ना, तो इसलिए वहां पे आप मार्च कर लो, चलेगा। तो अभी देखो हमने नीता को वहां पे बेचा, इसलिए नीता अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा मुझे यहाँ पे बोलो, सेल्स अकाउंट, नीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। कितने के गुड्स हम लोगों ने वहां पे सेल किए बच्चों? 33,500 एंड 33,500 के जो भी गुड्स है वो हम लोगों ने वहां पे नीता को क्या किए बच्चों? सेल किए, समझा। और नरेशन वहां पे क्या आएगा? बीइंग क्रेडिट सेल मेड टू नीता, बीइंग क्रेडिट सेल मेड टू नीता, क्लियर है बताओ? वेरी गुड। अभी मान लो इसी दिन वहां पे हम लोगों को क्या मिला बच्चों? बिल मिला, ओके। मतलब हम लोगों ने क्या किया था, अपन को ने अभी अनीता है तो हम लोगों ने वहां पे नीता के ऊपर बिल को ड्रॉ किया, वो बिल हम लोगों ने नीता के पास से वापस ले लिया। तो जब भी वहां पे कोई भी ड्रॉवर है बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है तो ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो क्या होता है मुझे बोलो? बिल्स रिसीवेबल होगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैं एक एंट्री करूंगा, क्या बोलो? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या करूंगा मुझे यहाँ पे बोलो? नीता अकाउंट टू क्या करूंगा? नीता अकाउंट, समझ में आया? और कितने का बिल है बच्चों? 22,500 और 22,500, यहाँ पे हम लोगों का ये बिल आ जाएगा, समझा इतना? वेरी गुड। अभी हमने वहां पे क्या किया दोस्तों, उन्होंने बोला है 4th of April को दिया था, एक बार अपन क्वेश्चन में वहां पे देख लेते चाहिए तो, यस 4th of April को हमने वो बिल को क्या किया मुझे बोलो? बैंक को वहां पे कलेक्शन के लिए दे दिया, बराबर। अभी ध्यान देना प्लीज, कॉन्सेंट्रेट करना, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं। तो मुझे एक बात बोलो कि अभी हम लोगों ने वो बिल को बैंक को कलेक्शन के लिए दिया क्या? नहीं बताओ? हाँ सर। तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे पता है? बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, जो वहां पे गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है? अभी देखो बच्चों, जब भी आप वहां पे बैंक अकाउंट को डेबिट करते हो इसका मतलब ये होता है कि वहां पे आपके बैंक में पैसा आ गया, जो गलत है। अभी पैसा नहीं आया हम लोगों के पास, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ वहां पे क्या किया मुझे बोलो? वो बिल को वहां पे कलेक्शन के लिए दिया हुआ है, इज दैट क्लियर? तो इसलिए हम लोग वहां पे एंट्री क्या करेंगे, ध्यान देना, बिल सेंट टू, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, ऐसे वहां पे आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं आएगा, समझा? टू क्या जा रहा है मुझे बोलो हम लोगों के पास वहां पे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू क्या जा रहा है मुझे बोलो? बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, समझा क्या? नहीं समझा? कितने का? 22,500 का और 22,500 का। नरेशन वहां पे आप चाहिए तो लिख देना, क्या लिखोगे? बींग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, क्लियर है इतना मुझे बताओ? वेरी गुड, ठीक है। अभी देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 8th of March वहां पे हम लोगों ने डेट ऑफ बिल बनाया, बराबर। और पीरियड कितना है? 4 months का बिल है आप लोगों का, यस और नो? तो हम वहां पे क्या करेंगे, देखो मार्च टू अप्रैल एक महीना हुआ, अप्रैल टू मई दूसरा महीना हुआ, मई टू जून तीसरा महीना हुआ, और जून टू जुलाई चौथा महीना हुआ, बराबर। तो ड्यू डेट क्या आया आपका? 8th of July आया। और इसके आगे आप लोग इसमें क्या करोगे बोलो? 3 वहां पे ग्रेस डेज आप ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे तुम लोगों का ड्यू डेट क्या आएगा मुझे बोलो? 11th July वहां पे आ जाएगा। बोलो समझा क्या? नहीं समझा बच्चों? पक्का क्लियर है क्या मुझे बताओ? वेरी गुड, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 11th of July लिख देता हूँ मेरा ड्यू डेट, चलेगा। अभी देखो यहाँ पे हम लोगों को उन्होंने 3 केसेस दिए। पहला केस क्या दिया बच्चों? तो यहाँ पे ड्यू डेट पे वो बिल क्या हो गया मुझे बोलो? ऑनर हो गया, बराबर। तो अभी ऑनर मतलब क्या? हम लोगों की बैंक वहां पे चली गई रहेंगी, किसके पास बोलो? ड्रॉवी के पास, और ड्रॉवी के पास से उसका जो पैसा है वो ले लिया होगा, समझ में आया क्या? तो अभी प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो हम लोगों के पास जब भी वहां पे बिल ऑनर होगा ना, मतलब हमको जब भी पैसा आएगा ना, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों कि बिल कितने का था? 22,500 का था, बराबर। और वहां पे बैंक चार्जेस उन्होंने कितना बोला है देखो? 200 रुपया का बोला हुआ है, समझा क्या?
तो इनडायरेक्टली वहां पे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे सुनो, वहां पे हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे बैंक में क्या होगा सुनो, बैंक जब भी वहां पे बिल लेके जाएगा तो बैंक को ड्रॉ भी 22,500 ही देगा, समझ में आया क्या? लेकिन उसमें से 200 रुपया बैंक वहां पे कट कर देगा चार्जेस का, और बाकी का पैसा मेरे खाते में वहां पे आ जाएगा, मेरे अकाउंट में वहां पे आ जाएगा, समझा? इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट 22,300 करूंगा, क्लियर है क्या? और 200 रुपया का वहां पे मेरा क्या कट गया मुझे बोलो, बैंक चार्जेस कट गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा मुझे बोलो, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट कर दूंगा, कितना मुझे बोलो, 200, कितना आएगा मुझे यहाँ पे बोलो बच्चों, 200 आ जाएगा, समझा? और टू, अभी बहुत सारे बच्चे वहां पे क्या करेंगे, बिल्स रिसेबल लिखेंगे, जो गलत होगा, क्योंकि हम लोगों ने वो बिल को वहां पे बैंक को ऑलरेडी क्या कर दिया मुझे बोलो, यहाँ पे सेंड कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोग है ना क्या करोगे दोस्तों, टू बिल सेंट टू बैंक, क्या करोगे, टू बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन करोगे। आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, यस और नो? कितना, 22,500, राइट? और यहाँ पे नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग बिल इज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट विच वी सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन एंड बैंक चार्जेस पेड, ओके? इस तरीके का वहां पे आप लोग क्या लिखोगे मुझे बोलो, नरेशन लिख दोगे, समझा? तो ये आप लोगों को वहां पे पहला केस हुआ जहां पे ऑनर हुआ है। अभी देखो ये तीनों केसेस में आप लोगों का ये जो पहले तीन एंट्रीज है ना, राइट, चाहिए तो देखो यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ये जो भी एंट्रीज है ना बच्चों, ये एंट्रीज वहां पे आप लोगों की क्या रहने वाली मुझे बोलो, कॉमन रहेगी, जैसे इसके पहले के क्वेश्चंस में वहां पे हम लोगों ने देखा था, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे सेकेंड क्या हो गया, तो 11th of July को वहां पे बैंक चले गया था ड्रॉवी के पास, लेकिन इस दिन वहां पे बिल क्या हो गया मुझे बोलो, डिसऑनर हो गया, ओके? तो अभी क्या होगा, ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, अभी हम लोगों ने वो जो बिल बैंक को दिया था वो बिल हम लोगों के पास वहां पे वापस आ जाएगा, बराबर है क्या? तो एंट्री क्या आएगा दोस्तों मुझे बताओ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, प्लीज ध्यान देना, एंट्री क्या आएगा दोस्तों, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है? टू क्या आएगा मुझे यहाँ पे बोलो, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू क्या आएगा, बिल सेंड टू बैंक फॉर क्या आएगा मुझे बोलो, कलेक्शन, समझे? हमने जब भी वहां पे बैंक को कलेक्शन के लिए बिल दिया था तो वो टाइम पे हमने एंट्री क्या किया था दोस्तों, कुछ ये वाला एंट्री वहां पे हम लोगों ने किया था, ध्यान देना, ये वाला एंट्री किया था हम लोगों ने, यस और नो? तो अभी वो जो बिल वहां पे डिसऑनर होगा तो इसका उल्टा एंट्री पहले हम लोग वहां पे करेंगे तो वो बिल हम लोगों के पास वापस आ जाएगा। तो ये मैंने एंट्री वहां पे कर लिया, यस और नो? कितना बोलो, 22,500 और 22,500, इतना क्लियर है मुझे बताओ, वेरी गुड। और बाद में क्या करेंगे, ये बिल को हम वहां पे ड्रॉवी को वापस दे देंगे, समझा क्या? तो एंट्री क्या आएगा मुझे बोलो बच्चों, नीता अकाउंट डेबिट, टू क्या आएगा मुझे यहाँ पे बोलो दोस्तों, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, नीता अकाउंट डेबिट, टू क्या आएगा मुझे बोलो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, तो हमने वो जो भी बिल था उसको हम लोगों ने वहां पे वापस दे दिया, समझा? तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये बिल्स रिसीवेबल कट हो जाएगा और हम लोगों का मर्ज एंट्री वहां पे क्या बचेगा दोस्तों, नीता अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। और यही एंट्री आप लोगों को यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिखेगा, चेक करो यहाँ पे देखो, नीता अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बोलो इतना समझा क्या नहीं समझा, इज दैट क्लियर? वेरी गुड, ठीक है। अभी क्या होगा, ध्यान देना दोस्तों, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना बातों को, ओके? अभी कैसे होगा मालूम है क्या दोस्तों, ध्यान दो, अभी यहाँ पे तुम लोगों को सेकंड केस तो समझ में आ गया ना, प्लीज आप मुझे वहां पे कमेंट में बोलना जरा, राइट? और जरूर दोस्तों वहां पे वीडियो को लाइक करते जाओ, आपके फ्रेंड्स को प्लीज वीडियोस को शेयर करो। मैं देख रहा हूँ कि आप वहां पे पहली बात तो वीडियो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो ऐसे मत करो, सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा दोस्तों कि मतलब आप लोगों को जब भी आगे की वीडियोज आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा उसका, ओके? और जब तक आप दोस्तों कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, आप जब तक आपके दोस्तों को शेयर नहीं करोगे, तब तक कैसे पहुंचेंगे फिर अपने वीडियोस आपके फ्रेंड्स के साथ, राइट? तो प्लीज अपने वीडियोस को आप जरूर शेयर करो और थोड़ा सा सपोर्ट बताओ चैनल को, ओके? चलेगा। अभी देखो इसके बाद वहां पे आप लोगों का केस थ्री क्या होगा मुझे बोलो, कि यहाँ पे हम लोगों का जो बिल है वो क्या हो रहा है मुझे बोलो, डिसऑनर भी हो रहा है और इसके साथ साथ वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं मुझे बोलो, नोटिंग चार्जेस भी वहां पे हम पे कर रहे हैं, ये आएगा वहां पे, ठीक है? अभी कैसा आएगा समझो मेरी बात, ध्यान देना। अभी सिंपली क्या होगा दोस्तों, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो। तो अभी सिंपली यहाँ पे क्या होगा मालूम है क्या बच्चों, नोटिंग चार्जेस कितना दिया वैसे उन्होंने, 150 का दिया हुआ है, ध्यान देना। यहाँ पे देखो 150 का उन्होंने हम लोगों को क्या दिया बच्चों, नोटिंग चार्जेस दिया है, यस और नो, राइट? अभी कैसे करेंगे समझ लेना दोस्तों। तो सबसे पहले देखो हम लोगों ने जो भी वो बिल को बैंक को दिया था बराबर कलेक्शन के लिए, वो बिल हमारे पास वापस आएगा, वेरी गुड।
तो वहां पे कैसे आएंगे दोस्तों, मुझे बताओ। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, जब भी बिल हम लोगों के पास वहां पे वापस आता है तो एंट्री क्या करते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करते हैं। इतना समझा? टू क्या है बोलो मुझे जल्दी से, टू क्या आएगा यहाँ पे, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ये आएगा। बराबर है क्या? अभी मुझे एक बात बता दोस्तों कि ड्यू डेट के टाइम पे वहां पे वो जो भी बिल था वो किसके पास था, मुझे बताओ। ड्यू डेट के टाइम पे वो जो भी बिल था वो किसके पास था दोस्तों, तो वो बिल वहां पे बैंक के पास था, मतलब नेचुरली वो बैंक क्या करेगा मुझे बोलो। मैंने आपको ये बहुत बार बोला है, क्या बोला है दोस्तों, कि जब भी वहां पे कोई भी बिल हम लोगों का डिसऑनर होता है, प्लीज ध्यान देना, मैं वापस वापस एक ही बात आप लोगों को बोल रहा हूँ, जब भी वहां पे कोई भी बिल डिसऑनर होता है तो ड्यू डेट के टाइम पे वो बिल जिसके पास भी रहेगा वो पर्सन क्या करेगा मुझे बोलो, नोटिंग चार्जेस को वहां पे करेगा। मैंने क्या बोला, ड्यू डेट के टाइम पे वो बिल जिस भी पर्सन के पास होगा वो पर्सन नोटिंग चार्जेस को पे करेगा। रूल समझा? तो यहाँ पे हम लोगों का बिल किसके पास था, तो यहाँ पे बैंक के पास था जो हमने कलेक्शन के दिया, तो बैंक नोटिंग चार्जेस पे करेगा उसका, बाद में हम लोगों के पास से मतलब ड्रॉवर के पास से रिकवर करेगा, फिर ड्रॉवर वहां पे ड्रॉवी के पास से रिकवर कर लेगा। बोलो समझा क्या नहीं समझा? ठीक है, तो अभी मुझे एक बात बता दोस्तों, यहाँ पे जब भी मुझे बैंक के पास से ये बिल वापस आया, ठीक है, तो इसके साथ साथ मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, नोटिंग चार्जेस भी पे करना पड़ेगा। बराबर है? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कर दूंगा। क्या करूंगा मुझे यहाँ पे बोलो, नोटिंग चार्जेस अकाउंट यहाँ पे मैं डेबिट कर दूंगा, टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, यहाँ पे क्या होगा बोलो, टू कैश अकाउंट आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या समझो, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो भी वहां पे बिल बैंक को दिया था ना कलेक्शन के लिए, वो बिल मुझे यहाँ पे वापस आ गया। पहला रूल समझा? जी सर। और सेकेंड, मुझे वहां पे नोटिंग चार्जेस क्या करना पड़ रहा है बोले, यहाँ पे करना पड़ रहा है। समझ में आया? ये मेरा वहां पे सेकेंड चीज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कैसे करेंगे ध्यान देना दोस्तों, बिल कितने का था, 22,500 का, नोटिंग चार्जेस कितना है मुझे यहाँ पे बोलो दोस्तों, 150। अभी ये केस में तुम्हारा बैंक चार्जेस नहीं आएगा क्योंकि वो ऑनर नहीं हुआ, समझा ना। और यहाँ पे कैश कितना, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन कितना, 22,500। और देखो बच्चों, यहाँ पे ना हम लोगों को उन्होंने क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ नहीं कि यहाँ पे कोई बैंक चार्जेस है करके, प्लीज ध्यान दो। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है क्या, डिसऑनर हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ नोटिंग चार्जेस का बोला है, बैंक चार्जेस का कुछ बोला है कि उन्होंने नहीं बोला, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या आपको यहां तक समझा मुझे बताओ, 22,500 नोटिंग चार्जेस का, 150 टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 22,500, टू कैश यहाँ पे अपना आ जाएगा 150 का। बोले इतना क्लियर है? वेरी गुड। अभी ये बिल हम लोगों के पास वहां पे आ गया कलेक्शन से, और फिर हम लोग क्या करेंगे मुझे बोलो, इसी बिल को वहां पे ड्रॉवी को वापस दे देंगे। ठीक है, तो अभी क्या आएगा मुझे बोलो, नीता अकाउंट डेबिट, ओके, टू बिल्स, टू क्या आएगा बोलो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, हम उसको उसके पास से लिया हुआ बिल वहां पे अपन रिटर्न कर रहे, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यहाँ पे क्या आएगा मुझे बोलो, टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने नोटिंग चार्जेस क्यों लिखा, अरे बच्चों यहाँ पे मेरा नोटिंग चार्जेस का एक्सपेंस हुआ क्या, नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ ना, तो ये नोटिंग चार्जेस मैं उसके पास से रिकवर नहीं करूंगा क्या, करेंगे सर आप। तो जब भी आपको किसी भी पर्सन के पास से नोटिंग चार्जेस लेना है तो आपको टेम्पररी इनकम बताना पड़ेगा, इसलिए आपने उधर वहां पे क्रेडिट किया हुआ है। ठीक है, तो अभी कितना, तो बिल्स रिसीवेबल कितने का था, 22,500 का था, और ये कितना था आपका नोटिंग चार्जेस, 150, और यहाँ पे कितना आएगा, 22,650 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को ये दोनों एंट्री का अगर मर्ज करके बताऊ तो प्लीज ध्यान देना, दोनों एंट्री का अगर मैं मर्ज करके बताऊ तो क्या आएगा, सुनो मेरी बात। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा मालूम है, बिल्स रिसीवेबल कट, बिल्स रिसीवेबल कट, नोटिंग चार्जेस कट, नोटिंग चार्जेस कट, तो बचा क्या, देखो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं उतना बचा, नीता अकाउंट डेबिट 22,650, टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 22,500, टू कैश अकाउंट कितना, 150। ठीक है, तो ध्यान देना आपके बुक के अंदर उन्होंने जो भी एंट्री किया होगा ना बच्चों, ये मर्ज एंट्री उन्होंने इतना ही किया होगा। ठीक है, लेकिन ये मर्ज एंट्री कैसे आया वो आपको समझ में आया क्या नहीं आया मुझे बताओ। ये जो भी अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये और ये देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को जानबूझ के आप अलग अलग एंट्री करके फिर उसका मर्ज बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो बुक में भी वहां पे वही दिखेगा आप लोगों को, चेक करना, नीता अकाउंट डेबिट, टू सेंड टू बैंक एंड टू कैश अकाउंट। समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है, तो देखो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने वहां पे ड्रॉवर के मतलब अनीता के बुक में जो जो एंट्रीज वहां पे आने की चांसेस है वो सारी चीजें वहां पे हम लोगों ने कर ली है, यस और नो। अभी क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग नीता के बुक में करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं तो चलेगा आप लोगों को? हाँ सर चलेगा। ठीक है, अभी ध्यान दो सुनो,
तो सबसे पहले नीता ने क्या किया होगा दोस्तों, मुझे बताओ। हम अनीता थे तब, हमने नीता को सेल किया था, बराबर। तो अभी अभी हम कौन है मुझे बोलो, हम नीता है। तो अभी ऑब्वियसली क्या करेंगे, हम परचेस करेंगे वहां पे, यस और नो? अभी अपन कौन है, नीता है। तो अभी हम लोगों ने वहां पे क्या किया दोस्तों, मुझे बोलो, गुड्स को परचेस किया। किसके पास से परचेस किया मुझे बोलो, अनीता के पास से परचेस किया। कितने का? 33,500 का। तो इसलिए एंट्री क्या आएगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अनीता अकाउंट, कितना? 33,500। समझा पक्का? सीधी बात है दोस्तों, हम अभी नीता है और सामने वाला अनीता है, तो हमने उसके पास से परचेस किया, इसलिए ये एंट्री वहां पे मैंने पास किया, समझा? फिर अभी जिस दिन वहां पे हम लोगों ने परचेस किया उस दिन क्या होगा, तो अनीता हम लोगों के ऊपर वहां पे एक बिल बनाएगी, बराबर। तो हम क्या करेंगे, वो बिल को एक्सेप्ट करके वहां पे अनीता को वापस दे देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्लीज कमेंट में बताओ। बिल रिसीवेबल क्या बिल्स पेएबल, ये मैंने बहुत बार बताया अभी तक आप लोगों को अभी। तो ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा बिल्स पेएबल होता है। तो वहां पे क्या होगा, हम लोग नीता को वो बिल वहां पे दे देंगे एक्सेप्ट करके। तो वहां पे एंट्री क्या आएगा बोलो, अनीता रिसीवर बनेगी। तो इसलिए अनीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, समझा? देखो वही एंट्री की, अनीता अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल, बराबर। अभी यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों कि अनीता ने वो जो भी बिल था ना, वो बिल को वहां पे अनीता ने बैंक को कलेक्शन के लिए दे दिया था, बराबर। लेकिन ड्यू डेट के पहले वो बिल के साथ ड्रॉवर वहां पे कुछ भी करे, उसका ड्रॉवी को कोई फर्क पड़ेगा क्या? आंसर इज नो, कोई लेना देना ही नहीं है। समझ में आया? तो क्या होगा मालूम है क्या दोस्तों, हम सिंपली क्या करेंगे मालूम है, हम सिंपली ना वहां पे ड्यू डेट के टाइम पे क्या करेंगे दोस्तों, बिल हम लोग वहां पे ले लेंगे। ड्रॉवी क्या करेगा, ड्रॉवर के पास से या किसी भी पर्सन के पास से वो बिल ले लेगा और उसका पैसा दे देगा, बात खत्म हो जाएगा, समझा? तो अभी केस वन वहां पे क्या होगा दोस्तों कि बिल ऑनर हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम नीता है, हम ड्रॉवी है, तो वहां पे क्या होगा कि हमारे पास वो बिल वापस आ जाएगा, हम उसका पैसा दे देंगे। तो उसका ये एंट्री किया हमने, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये किसका एंट्री हो गया मुझे बोलो, यहाँ पे हम लोगों ने जो भी हमारा एक्सेप्टेंस था वो क्या किया मुझे बोलो, ऑनर किया। ऑनर मतलब हमने जो भी सामने वाले को बिल एक्सेप्ट करके दिया था, तो ड्यू डेट पे हम वो बिल को वापस सामने वाले के पास से ले लेंगे, यानी उसका जो भी पैसा है हम उसको वहां पे पे कर देंगे, ठीक है? उसको हम क्या बोलते बोलो, ऑनर बोलते। पहला समझा, वेरी गुड। अभी सेकंड क्या हो गया दोस्तों, सेकंड केस में वो जो बिल है ना वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब हम वहां पे सामने वाले पर्सन को जैसे हमने बोला था वैसे हम उसको पैसा नहीं दे पाए, तो वो बिल हम लोगों के पास वहां पे वापस दे देगा, कौन बोलो, ड्रॉवर। समझा क्या नहीं समझा, ठीक है? तो अभी क्या होगा, यहाँ पे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू अनीता अकाउंट, जो भी बिल हमने उसको एक्सेप्ट करके दिया था वो बिल हम लोगों को वापस आ गया, ठीक है? तो ये हम लोगों का किस चीज का एंट्री हुआ मुझे यहाँ पे बोलो दोस्तों, डिसऑनर का एंट्री हुआ, प्लीज ध्यान देना। और जब भी तीसरा केस होगा नोटिंग चार्जेस का, तो वहां पे क्या होगा, तो हम लोगों को हमारा जो भी बिल है जो हमने एक्सेप्ट किया तो वो तो हमको वापस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? तो हम लोगों का एक्सेप्टेंस हमको वापस आया, लेकिन अभी इसके साथ साथ वहां पे हम लोगों को सामने वाले पर्सन को नोटिंग चार्जेस भी देना पड़ेगा, ओके? क्योंकि हम लोगों ने वो बिल को डिसऑनर किया, ड्रॉवी ने डिसऑनर किया। मैंने बहुत बार बोला है कि जो भी पर्सन बिल को डिसऑनर करता है उसी को ही वो बिल नोटिंग चार्जेस को वहां पे बेयर करना पड़ता है, बराबर, पे नहीं बेयर करना पड़ता है, ठीक है? तो ड्रॉवी ही बेयर करेगा, कितना बोलो, 150। और यहाँ पे टू क्या आएगा बोलो, अनीता, मतलब अभी हमको अनीता को वहां पे बिल का पैसा तो देना ही है, लेकिन साथ साथ में अभी नोटिंग चार्जेस का भी पैसा उसको पे करना पड़ेगा, बोलो समझा क्या? तो ये क्या आया मुझे बोलो, यहाँ पे बिल डिसऑनर भी हो रहा है और यहाँ पे नोटिंग चार्जेस का भी कंसेप्ट तुम लोगों का आ रहा है, बोलो इज दैट क्लियर? क्या आपको कंसेप्ट दिमाग में जा रहा है पक्का? देखो इसके पहले वाले वीडियोस में वहां पे मैंने आप लोगों को एंडोर्समेंट यानी उसका डिसऑनर कैसे होता है और वो सारी चीजें बताई थी। आज मैंने आप लोगों को कलेक्शन वाली चीजें बताई, उसके पहले मैंने आप लोगों को डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज सिखाया था, ठीक है? तो देखो बच्चों अभी अपन क्या करेंगे ना, स्टार्टिंग के और दो तीन लेक्चर जितने भी कंसेप्ट वाली चीज है वहां पे हम लोग कंसेप्ट एंड उसका क्वेश्चन लिख लेंगे। आप सभी लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज ये सारे वीडियोस को अच्छे से देखना, आपके फ्रेंड्स को शेयर करना, व्हाट्सएप पे लिंक डालना चाहिए तो आपके ग्रुप्स में शेयर करो, इंस्टाग्राम की स्टोरी रखो, बट जरूर 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 दोस्तों ये जो भी अपनी मेहनत है ना इसका वहां पे बेनिफिट जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मिलना ही चाहिए, ठीक है? तो अभी ये आपके हाथ में दोस्तों कि आप लोगों को कैसे वहां पे हेल्प करना है, ठीक है? और ये जो कंसेप्ट एक बार अपने सारे हो जाते ना तो ये सारे कंसेप्ट का मिला के ही वहां पे हम लोगों को क्या आता है बच्चों, ये चैप्टर का क्वेश्चन आता है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्या है अच्छे से वहां पे सारी चीजें समझ के ले लेना अभी, ठीक है?
तो यस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं वापस बोलूंगा कि प्लीज ये वीडियो वहां पे होने के बाद आप लोग घर पे जाके, ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन हम लोग अभी मैंने आप लोगों को करवाया पेज नंबर 275 के ऊपर का, राइट, तो ये वहां पे प्लीज आप लोग घर पे जाके एक बार ट्राई करके आना। नेक्स्ट मेरा जो भी वीडियो होगा उसके अंदर मैं आप लोगों को रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज वाला जो कंसेप्ट है वो क्या है और उसके ऊपर के इलस्ट्रेशन जो है वो आप लोगों के साथ वहां पे मैं डिस्कस कर लूंगा, चलेगा? तो वीडियो को लाइक नहीं किया होगा प्लीज डू लाइक आवर वीडियो, राइट, ये वीडियो को जरूर लाइक करो, आपके सारे फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करो दोस्तों, इतना बोल रहा हूं मतलब कुछ तो रहेगा, राइट, और प्लीज वहां पे अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अपन अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, देन टाटा।